नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया पर। दोस्तों, मैंने हीरोइंस को बहुत करीब से देखा है, कई बार तो पहचान ही नहीं पाता हूँ कि वो हीरोइंस हैं। पता क्यों? क्योंकि उन्होंने मेकअप नहीं कर रखा होता है। हमारी किसी भी, मतलब चाहे वो सीरियल हो, चाहे फिल्म हो, चाहे वो एड फिल्म हो, गाना हो, एल्बम हो, कुछ भी हो, वगैरह वगैरह, जितनी भी चीज़ें हैं, सब चीज़ों में मेकअप आर्टिस्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मतलब जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, आप देखो सारे, मतलब एक एक चेहरा आपको अलग से दिखाई देता है। इनफैक्ट अगर आप देखें टेक्निकली भी, जिस तरह की लाइट होती है, उस लाइट के हिसाब से भी मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करता है। और कई बार बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि किसी को बूढ़ा, किसी को जवान से बूढ़ा बनाना है, या किसी बच्चे को बूढ़ा बनाना है, या किसी को विधवा बनाना है, किसी के बाल सफ़ेद करने हैं, किसी को डरावना दिखाना है, किसी को भूत बनाना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। वो एक अगर मेकअप आर्टिस्ट ना हो तो करना मुश्किल हो जाएगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, आज हमारा मुद्दा यही है। तो दोस्तों, आज मैं मिलवाना चाहता हूँ एक मेकअप आर्टिस्ट से, जिनका नाम है रिजवान सिलेदार। उन्होंने मेरा भी मेकअप किया है, एक शो था जमाई राजा, इनफैक्ट उन्होंने, वो डीडी जो थी उनका भी मेकअप यही करते थे। तो मैं आपसे मिलवाता हूँ, आइए सर। हेलो सर, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। तो दोस्तों, ये हैं रिजवान सिलेदार, रिजवान भाई, और इन्होंने मेरा मेकअप किया था, मुझे कमाल सा दिखा दिया था आपने। ये तो मेरा काम था सर। सो स्वीट। तो रिजवान भाई, कितने सारे आर्टिस्ट लोगों का आपने मेकअप कर लिया अब तक? सर 18 साल में आर्टिस्टों को गिनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 18 साल हो गए आपको? बिल्कुल बिल्कुल यार, बहुत, मतलब बचपन में आ गए थे क्या? नहीं, ऐसा था कि मेरे जैसे 10th मैंने क्रॉस किया, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभी कुछ फील्ड ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मेरा भाई इसमें इंडस्ट्री में पहले से था। क्या करते थे वो? वो भी मेकअप आर्टिस्ट था। तो मुझे पहले एक महीना भेजा गया कि देखो तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है सेट पे। तो मैंने देखा मुझे क्या इसमें से सूट करेगा और मुझे क्या सीखना है इसमें। तो मुझे मेकअप का काम ही पसंद आया, तो मैंने अपने भाई से कहा, तो भाई ने बोला ठीक है। तो उसके बाद मेरा कार्ड बना। इसके बाद भाई के साथ तो मैं नहीं कर सकता, ऑब्वियसली बात है, अगर आप अपने भाई के साथ काम करोगे तो नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए मुझे अलग थोड़ा हट के किसी और के पास जाना था। तो मैंने भाई से बोला कि उनके गुरु, जो मेरे भी गुरु हैं, पंडरी दादा। अच्छा, जो उनके बहुत पंडरी दादा, ओ बिल्कुल, अच्छा, उनसे सीखा है आपने? बिल्कुल, उनसे सीखा है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम भी करते हैं भाई, हम भी करते हैं, आधी इंडस्ट्री उनसे सीखी हुई। बिल्कुल है। बिल्कुल, ये हमारी नसीब अच्छी थी कि हम उनके पास गए सीखने के लिए। तो एक दो बार मुझे एक सेट पे भेजा गया कि जाओ मेकअप करो, तो मैं गया। पहले तो ऐसे इतने सीरियल्स नहीं हुआ करते थे, तो सॉन्ग्स होते थे जिसमें काफ़ी तामझाम होता था, तो हम लोग सॉन्ग्स में जाते थे, बोले इनको मेकअप कर दो, इनको मेकअप कर, मेकअप तो कर देंगे लेकिन पता ही नहीं क्या करना है। तो बेसिक चीज़ सीखने के लिए मैं बोला ये इससे तो मैं नहीं सीख पाऊँगा, उसके लिए मुझे कहीं सीखना पड़ेगा। मैंने पैसे के पीछे तो नहीं भागा उस वक्त, मैंने ये काम किया, मतलब पहले ये बेसिक सीख लेते हैं कि इससे क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं, ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब सीख के निकलोगे तो आपको कोई सिखाने नहीं आएगा। यही वो टर्म होता है जो आपको सीखना होता है। ओके। और जितना आपको उस वक्त सीखने मिलेगा उतना बेहतर है। जब आप खुद इंडस्ट्री में रहोगे और आप शोज लोगे या दूसरे मेकअप जो भी आपके सामने आएंगे करने के लिए, तो उस वक्त आप किसी से पूछने के लिए झिकझिकाओगे कि यार मैं तो इतना अभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, मैं किसी से कैसे पूछूँ, मेरे लिए थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होगी। तो इस वजह से मैंने पंडित दादा के पास गया, उनके घर पे क्लासेस चलती थी, तो दादा क्लासेस लेते थे। अच्छा, अभी भी क्लासेस चलती हैं इस तरह की? हाँ, क्लासेस चलती हैं। और दादा के पास मैं जब क्लासेस ज्वाइन किया, तो उस वक्त तो दादा के बस भाई था, तो भाई ने बात करके लगा, मतलब हाँ, तो उनसे ही कुछ चीज़ें ऐसी सीखने मिली आगे के लिए जो मेरे लिए काफ़ी आपके करियर में फ़ायदेमंद रही। अच्छा, 18 साल हो गए, तो असिस्टेंट, बतौर असिस्टेंट आपने कितने साल काम किया? बतौर असिस्टेंट मैंने 5 साल काम किया। 5 साल एज असिस्टेंट आपने काम किया, उसके बाद फिर आप मेकअप आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट लेने। वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या सोचते हो, मतलब मेकअप आर्टिस्ट का काम कैसा, मज़ेदार है, मतलब क्या आप सेटिस्फाइड हैं इस बात के लिए? मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मुझे, मैंने यही चूज़ किया है मेकअप आर्टिस्ट का काम। तो बस। ओके, अच्छा ये मतलब किस तरह की क्लासेस होती है? आज मुंबई में है इस तरह की क्लासेस? हाँ होती है, लेकिन उधर बेसिक
जो आप घर में भी करते हो वही सीखने मिलता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। ओह, और वो चीज़ बड़े जो इंडस्ट्री के जो गुरु है वही सिखा सकते हैं कि बेसिक चीज़ होती क्या है, जो आज काफ़ी कम लोग जानते हैं कि बेसिक्स क्या होता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि वो जो कोर्सेज होते हैं, जो क्लासेज होती हैं, उनमें ना जाने से बेटर है आप किसी मेकअप दादा के पास सीखें। बिल्कुल, वो ज़्यादा बेटर है, वो बेटर है। मतलब प्रैक्टिकल सीखना ज़रूरी है, आप किसी क्लास में उतना अच्छा नहीं सीख पाएंगे जितना कि आप किसी मेकअप आर्टिस्ट के अंडर काम करके सीख पाएंगे। बिल्कुल राइट सर, तो ये आपका कहने का मतलब है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि जैसे आप मेकअप तो सीखोगे, जो नॉर्मल चीज़ है वो आप सीख जाओगे, घर पे रह के भी सीख सकते हो, आपकी मेहनत के ऊपर है, और एकेडमी से भी उतना सीखोगे जो एक नॉर्मल आप कर सकते हो, लेकिन जो कैमरे की बारीकी है वो आपको ऑन फ्लोर ही आके सीखना पड़ेगा। ओ, मतलब कैमरे के हिसाब से मेकअप करना। बिल्कुल, लाइटिंग के हिसाब से, कैमरामैन को किस हिसाब से वो टोन चाहिए, किस हिसाब से आपको वो मेकअप चाहिए, वो आपको डिस्कस करना पड़ेगा, तब जाके वो मैच होता है, तब जाके वो चीज़ें खुल के आती है, निखर के आती है। तो कोई बच्चा जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है, हमारे देश में बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारे बच्चे हैं जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो वो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत अगर वो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है, देखो इंडस्ट्री में ऐसा है कि बहुत से अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, पहले तो आप चूज़ कर लो मुझे करना है क्या है। अगर आपको मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है, आगे जाके कुछ दूसरी लाइन नहीं ज्वाइन करनी, तो आप मेकअप आर्टिस्ट बनोगे तो उसके लिए सबसे पहले कार्ड बना ले। सबसे पहले कार्ड? हाँ। तो ये कार्ड कितने का बनता है? ये कार्ड 1 लाख का बनता है। ओ, तो ये तो बड़ा महंगा यार, कोई बच्चा वहाँ से आया तो मतलब कैसे कार्ड बनवाएगा 1 लाख का? 1 लाख का बनाने के बाद तो कवर भी कर लेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, लेकिन बाकी जो यूनियन है, जैसे मनसे की होगी या शिवसेना की होगी, बीजेपी की होगी, वो भी तो अगर ट्रेनिंग के तौर पर अगर वो स्टार्ट भी करता है तो वो कार्ड वो शिवसेना मनसे का बना सकता है, जैसे पैसे आए तो ये भी कार्ड बना ले, जो कि इस कार्ड की वैल्यू है। वो किस लिए? ये इसलिए वैल्यू है क्योंकि आप सपोज टू भी अगर आउट ऑफ मुंबई जाते हो या वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाते हो, सो इस कार्ड की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यूएशन होती है कि हाँ ये इस यूनियन से है। ओके ओके, मैं इस यूनियन की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। हाँ, बहुत काफ़ी पुरानी यूनियन है ये, लेकिन वो दूसरा कार्ड ही बनवा के काम शुरू कर सकता है। शुरू कर सकता है। कैसे असिस्टेंट कैसे बने वो? असिस्टेंट पहले तो आप कार्ड बना ले, इंडस्ट्री में हर डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपको कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। जब आप कार्ड बना लेते हो तो आप जैसे आप कई साइट पे जाओ, किसी मेकअप आर्टिस्ट से मिलो, उनसे बात करो, जैसे आप दूसरे जैसे बिजनेस वर्ल्ड में आप जाओगे तो आप जो भी क्वालिफिकेशन आप बताओगे, मैंने इतना पढ़ा है, इतना ये किया वो किया, आप बताओगे उसके बिना पर वो काम देता है। उसी तरीके से आप मेकअप आर्टिस्ट के पास जाओगे, मुझे इसमें शौक है, मैं मेकअप आर्टिस्ट बन चुका हूँ या मैंने कार्ड बनाया है तो मुझे इसमें काम करना है, आप जाके मिले, मीटिंग करें, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। तो मतलब ये तो उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, करना तो इतना तो करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, अगर कुछ करना है तो भाई स्ट्रगल हर लाइन में है, चाहे वो आप कैमरामैन में हो, चाहे वो डायरेक्शन में हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट बनना हो, आपको कार्ड बनवा के मेकअप दादा के पास जाना होगा, आपको ढूंढना होगा, आपको उनसे मिलना होगा, आपको उनके सामने अपनी काबिलियत रखनी होगी। अगर वो काबिलियत मेकअप दादा देखते हैं, अगर वो आपको रख लेते हैं, तो आपकी शुरुआत एज ए असिस्टेंट हो जाती है। हाँ, ग्रेट। तो असिस्टेंट बन गया मान लो, तो उसको कितना मिलेगा पैसा? कुछ स्टार्टिंग में आप ये मत सोचो, अगर काम सीखना है आपको तो ये मत सोचो कि मुझे पेमेंट कितना मिलेगा, आप ये सोचो कि मैं कितने जल्द से जल्द ये काम सीखूं और पेमेंट को अपनी बढ़ाऊं। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग करते हो असिस्टेंट से, तो मेकअप दादा ज़्यादा से ज़्यादा आपको कन्विंस स्टार्ट करेगा। कितना मे भी 6,000 तक स्टार्ट कर ही देगा आपको। क्योंकि आने जाने का जो ट्रैवलिंग होगा वो आपका निकल जाए, जैसे जैसे 2 महीना 3 महीना जैसे जैसे आगे गुजरेगा, आपको वो पेमेंट बढ़ाता जाएगा, आपकी काबिलियत के ऊपर है कितने आप जल्दी सीख रहे हो और कितना आगे बढ़ रहे हो उस हिसाब से। अगर आपको काम सीखना है तो, अगर पैसे कमाना है तो फिर राम जाने, फिर आप पैसे ही कमाओ, फिर भूल जाओ काम के लिए। तो मतलब असिस्टेंट बनते हो तो 6,000 तो आपको कन्विंस मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन 3-4 महीने के बाद सैलरी बढ़ती जाती है। तो कितना हो जाता तब असिस्टेंट? आप जितना स्पीड आप काम जल्दी जल्दी सीखोगे तो आपकी मे भी शायद 15,000-20,000 तो हो ही जाएगी। ओ, अच्छा। और अगर वो मतलब अपना मेहनत दिखाता है और वो अच्छा काम करता है, अच्छा जज्बा है उसके पास, अच्छा पैशन है काम सीखने का और जल्दी सीख जाता है, तो बतौर जब वो मेकअप आर्टिस्ट बन जाता है तो उसको कितना मिलता है? उसकी तो लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ एक बेसिक है, वो 25,000-30,000 कमा सकता है आराम से। मतलब बेसिक ओके, और उससे ऊपर वही बता सकता है जब वो कमाएगा। मतलब कितना भी कमा सकता, कितना भी, चाहे फिर वो 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, नो लिमिटेशन। मतलब 1.5-2 लाख आराम से कमा, आराम से।
मेकअप आर्टिस्ट है तो बता दिया आपने कि मेकअप आर्टिस्ट बन गया है तो आपको इतना पैसा मिलेगा, लेकिन कोई पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट है जैसे अमिताभ बच्चन साहब के अलग पर्सनल हैं, माधुरी जी के अलग पर्सनल हैं, संजू बाबा के अलग पर्सनल हैं, टीवी में भी ऐसे चलता होगा, काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं, रवि दुबे का कोई है पर्सनल? नहीं, हाँ रवि दुबे जी ने अभी रखे हैं, रखे शाम को, वो मेरा ही असिस्टेंट है शाम। अच्छा शाम पर्सनल हो गया अभी? हाँ। तो वही बोल रहा हूँ, अगर पर्सनल किसी का असिस्ट किसी का मेकअप आर्ट नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कोई पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट बन जाता है किसी आर्टिस्ट का तो कितना मिलता है? वो तो मुझे पता नहीं, वो तो वही बताएगा, बता दूंगा तो वो बाद में बोले मेरा इतना अमाउंट कैसे बता दिया। तो इतना बता सकता हूँ 5000 के अबाव ही होगा डेली। डेली अच्छा खासा पैसा भाई, मतलब 5000 रुपये बुरा नहीं है भाई। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो ये जो यूनियन है उसका एक मतलब फिक्स भी तो होगा ना कि पर डे इतना मिलता है मेकअप आर्टिस्ट को? पर डे यूनियन की तरफ से 1500 से 1800 रुपया है, और आपकी डील के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप प्रोडक्शन हाउस के पास जाते हो, आपकी डील कितने में हुई है उसके हिसाब से, वो पेमेंट के हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो फिक्स की जाती है। अच्छा मतलब सीरियल में 1500 और 1800 ये पर डे। फिल्म में? फिल्म में इससे ज़्यादा है, 2500-3000। मतलब हर काम के अलग 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 है, जैसे फिल्म में अलग है, एड्स में अलग है, सबका सिस्टम अलग अलग है। इसमें सीरियल्स का अलग है, डॉक्यूमेंट्री का अलग है, डिपेंड करता है आपकी डील क्या हुई है प्रोडक्शन हाउस से, उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है। ओके 18 साल में कितने शोज कर लिए आपने? सर 18 साल में मैं अभी गिन तो नहीं सकता, लेकिन मेरे को 18 तो ऐसी याद है, 18 साल में पर ईयर वन शो तो पकड़ के चलो एवरेज। कोई बड़े शोज का नाम बताएं? बड़े शोज काफ़ी, सभी शो बड़े हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि हम जहाँ काम करते हमारे लिए वही बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल ये तो बात है। तो शोज़ तो मेरी स्टार्टिंग हुई थी एक लड़की अनजानी सी, इंडिपेंडेंट शोज़ की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद काजल भी बड़ा शो था, और भी काफ़ी बड़े शो थे, लेकिन रिसेंट में मैंने जो किया था जमाई राजा जो सर के साथ था, मेरा मेकअप भी इन्होंने ही किया। बिल्कुल, जो सर से मुलाकात भी वही हुई है। फिर उसके बाद हमने सर के साथ एक और शो भी किया था, हम सफर वहाँ पे भी मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद फिर हमने एक अभी रिसेंट में कुलदीपक और एक पहरेदार प्रिया की, ये शोज की मतलब काफ़ी शोज कर लिया। हाँ काफ़ी शोज के। आपने ये तो बता दिया कि भाई कार्ड बनवाना पड़ता है, फिर उसके बाद असिस्टेंट लगेगा तो 5-6 हज़ार मिल जाता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सैलरी बढ़ती है तो 20-30 हज़ार रुपये मिलना शुरू हो जाता है आराम से। जब वो मेकअप आर्टिस्ट बन जाता है कम्प्लीट तो उसको मतलब 1 लाख भी मिलेगा, 2 लाख ही मिलता है, ये एक तरीका है। हाँ अच्छा अच्छा कोई ऐसा आर्टिस्ट जो आपको बहुत पसंद हो? मेरे लिए तो सभी आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, सबके साथ मेरी ट्यूनिंग अच्छी रही है और सभी आर्टिस्ट मेरे लिए अच्छे हैं। मैं नाम किसी एक का नहीं ले सकता, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है तो काफ़ी लेट हो जाएंगे हम। अच्छा कोई बच्चा मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है और वो चाहता है कि उसको कोई सपोर्ट करे, तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो मैं आपका मेल आईडी दे दूँ? आप दे दो। दोस्तों मैं इनका मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और मैं मानता हूँ इस बात को, ये बहुत ही प्यारे इंसान हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, हेल्प करने वाले इंसान हैं, क्योंकि एक बार मैंने भी इनसे एक हेल्प मांगी थी, मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी, मैंने इनको कहा कि रिजवान भाई मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज़ मेकअप आप कर दें। तो इन्होंने फ्री में मेरी शॉर्ट फिल्म के आर्टिस्ट का मेकअप किया था, थैंक यू सो मच भाई। तो ये ऐसे इंसान है, तो ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। आप अपना काम, आप अपना हुनर इनको दिखाएं, आप इनको मेल करें, अगर कोई काबिलियत रखता होगा तो पक्का आई एम श्योर कि ये उसको हेल्प करेंगे। बिल्कुल करेंगे, तो निश्चिंत रहें। लेकिन हाँ ज़रूरी ये है कि जज्बा अच्छा होना चाहिए, कुछ करने की ताकत, कुछ करने का अलग से लगन, कुछ अलग सा कुछ यू नो कुछ पावर होनी चाहिए बॉस, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाओगे। भूख होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, करेक्ट। और ये मत करो कि यार वो उनका नंबर दे दो, रिजवान भाई का हमने इंटरव्यू देखा बहुत अच्छे लगे, आप इनका नंबर दे दो, ऐसे नहीं होता है। हम जब आए थे तो हमें किसी का नंबर नहीं था हमारे पास, कोई हमारे साथ था ही नहीं, लेकिन हमने अपने रास्ते धीरे धीरे बनाए और आज इस माया नगरी में मुंबई में काम कर रहे हैं और खुश हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से जी रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अच्छी तरीके से जिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनकी बातों को आपने समझा होगा, महसूस किया होगा, कुछ करना चाहते हो तो जज्बा कायम रखो और कर डालो। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में, नई सोच के साथ, नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए टाटा। और हाँ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, टैग करो, और वो छोटी सी घंटी टर्न करके दबा दो भाई। हाँ घंटी जहाज से दबा देना। ठीक है मिलते हैं।